WWE रेसलर सौरभ गुर्जर की, जो कि मध्य प्रदेश के डबरा से हैं, जिन्होंने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सौरभ ने देश में अपने कामों का परचम लहराया ही, इसी के साथ विदेशों में भी सौरभ गुर्जर का नाम है। सौरभ गुर्जर नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल के निवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से अपने सफर के बारे में बात की। सौरभ ने बताया कि जल्द ही उनकी बॉलीवुड फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है, जिसमें वे नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में हैं। कोविड के कारण रुकी मूवी जल्द ही रिलीज होने की जानकारी देते हुए सौरभ ने मीडिया से चर्चा में बताते हुए फिल्म की तुलना हॉलीवुड मूवी से की है। वहीं उन्होंने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल रेसलर के साथ वे फाइट करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सौरभ ने 2022 के लास्ट तक WWE चैंपियन बेल्ट लेकर भारत आने की बात कही है। सर, आज आप इंदौर यहाँ पर किस कारण से पधारे हैं? यहाँ मैं अपने मित्र से मिलने आया था, कि प्रवेश अग्रवाल जी मेरे बहुत ही अच्छे परम मित्र हैं, मित्र क्या बड़े भाई की तरह होंगे। नर्मदा योजना के राष्ट्रीय उनके घर मिलकर लागत। सर, यदि WWE में आपकी यदि द बीस्ट के ब्रॉक लेसनर से अगर फाइट होती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं द बीस्ट क्या, मैं हर किसी के लिए तैयार हूँ, कोई भी इंटरनेशनल रेसलर हो उसके लिए मैं तैयार हूँ 24 आवर्स। आप इंडिया WWE में आपको द चैम्पियन के रूप में कब देख पाएगी? अगर टैग टीम चैम्पियनशिप की बात की जाए तो हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में इंडिया के पास मैं बैट लेके आऊँ। और रही मेरे सिंगल नेशनल चैम्पियन बनने की या सुपर हैवी वेट चैम्पियन बनने की, तो उसमें थोड़ा सा भी टाइम है, मुझे उम्मीद है कि हाँ, लेकिन इस साल 2022 लास्ट तक मैं वो बैट लेके इंडिया आऊँ। सर, इंडिया आपको WWE में नेक्स्ट किस रेसलर के साथ देखेगा? अभी इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये डिपेंड ऑफ स्टोरीज लाइन के ऊपर होता है। लेकिन अभी हम एज ए टैग टीम लड़ रहे हैं, मैं और मेरा पार्टनर टैग टीम लड़ रहे थे, और अभी 3 महीने से मैं इंडिया में हूँ बिकॉज ऑफ कोविड, और अभी बहुत जल्दी मैं जाने वाला हूँ। सो हो सकता है कि आप मुझे लड़ते रोमन रेंस से देखें, और हो सकता है कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन के साथ देखें। सर, आपकी आने वाली मूवी है ब्रह्मास्त्र, उसके बारे में आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र मेरी मूवी रिलीज होने वाली है, कोविड के दौरान वो रुकी हुई है, जैसे कोविड खत्म होगा फिल्म रिलीज़ होगी। बहुत बड़ी फिल्म है, सारे बड़े सुपरस्टार हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, नागार्जुन, आलिया भट्ट, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म है। और ये थोड़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट की फिल्म है, तो इसे मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये एक फिल्म है जिसके बारे में हम लोग सिर्फ हॉलीवुड में देखते हैं, तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें अभी बॉलीवुड में कभी नहीं देखा। थैंक यू।